नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगिता पांडे है। मैं अंग्रेजी विषय में ग्रेजुएट हूँ, साथ ही मैंने डीएड का कोर्स किया है। शिक्षा विभाग में मुझे 8 वर्षों का अनुभव है। राजनांदगांव जिला 1973 में दुर्ग जिला से अलग होकर अस्तित्व में आया। पूर्व में यह नंदग्राम के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ की रियासतकालीन महल, भवन, राजमंदिर इत्यादि स्वयं अपनी गौरवशाली समाज, परंपरा एवं संस्कृतियों की कहानी कहता है। यहाँ बहुत सारे दार्शनिक स्थल भी हैं, जैसे डोंगरगढ़ का परमेश्वरी मंदिर, राजनांदगांव में ही पताल भैरवी का मंदिर, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस प्रकार राजनांदगांव जिला में बहुत सारी विशेषताएं हैं। वर्तमान समय में मैं राजनांदगांव जिला के अंतर्गत छिरिया ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक शाला आमाकट्टा में कार्यरत हूँ। वर्तमान सत्र 2020-21 में मेरे स्कूल में 34 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो सभी ग्रामीण परिवेश हैं। ग्रामीण परिवेश होने के कारण बच्चे अंग्रेजी विषय में सहज नहीं हो पाते, क्योंकि उनके आसपास इस भाषा के शब्दों का बहुत कम ही प्रयोग होता है और शुरू से वो इस विषय को कठिन सब्जेक्ट मानते थे। यही मेरी सबसे बड़ी कठिनाई रही है। अंग्रेजी विषय को जब भी मैं पढ़ाने की कोशिश करती थी, बच्चे इसमें सहज नहीं हो पाते थे, इसलिए उनके सीखने का स्तर भी निम्न होता है। श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा मुझे ZIIEI का ट्रेनिंग दिया गया। इस ट्रेनिंग में मुझे शून्य निवेश में TLM गतिविधियों के बारे में बताया गया, जो कि मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा। मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आए और वहाँ से भी ट्रेनिंग से भी मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले, जिसको मैंने अपने स्कूल में लागू किया, जिससे मुझे वाकई में बच्चों के सीखने के स्तर में बहुत ही बढ़ोतरी देखने को मिला। मैंने अपने स्कूल में प्रिंट रिच वातावरण का प्रयोग किया, जिससे बच्चों की वेकुबलरी बढ़ी। वेकुबलरी बढ़ने से बच्चों में अंग्रेजी विषय को समझने की क्षमता बढ़ी और उनमें कॉन्फिडेंस भी आया। साथ ही मैंने रोज बच्चों को 2 नए अंग्रेजी शब्दों से परिचित कराया, जिससे कि बच्चों ने लगातार अपने स्वयं का एक डिक्शनरी बना लिया। शाला में एक कॉपी रखी होती है, जिसमें बच्चे रोज अपने द्वारा याद किए हुए 2 नए अंग्रेजी शब्दों को लिखते हैं। ऐसा करते करते धीरे धीरे उनके अंग्रेजी का शब्दकोश बढ़ते गया, जो कि बच्चों को अंग्रेजी सीखने में बहुत हेल्प किया। इसके बाद मार्च 2020 में COVID-19 के कारण सारी शालाओं को बंद करना पड़ा। शालाओं को बंद करने से बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही बुरा असर देखने को मिला, जिसके उपाय हेतु हमें ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने के लिए निर्देश दिया गया। ऑनलाइन कक्षा संचालित करने में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि पहले तो यहाँ नेटवर्क की समस्या रहती है, दूसरी ये कि सभी पालकों के पास स्मार्टफोन नहीं होता। फिर भी हमने लगातार अपना प्रयास जारी रखा। हमारे प्रयास को पालकों ने सराहा और हमारा सहयोग भी किया, जिससे हम बहुत हद तक ऑनलाइन कक्षा संचालित करने में सफल रहे। परंतु हमने ये देखा कि ऑनलाइन कक्षा में बच्चों का सीखने के स्तर वो नहीं होता जो शालाओं में होता है, क्योंकि बच्चे फेस टू फेस हमसे जितना सीख पाते हैं, उतना ऑनलाइन कक्षा में नहीं सीख पा रहे हैं। इसी दौरान श्री पवन द्विवेदी सर जी द्वारा अरविंदो सोसाइटी के वेबिनार और ट्रेनिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें मुझे जोड़ा गया, जिसमें बहुत सारे टीचर थे और पवन द्विवेदी सर जी द्वारा समय समय पर इसमें हमें ट्रेनिंग दिया गया, जो कि बहुत ही उपयोगी रहा, क्योंकि उन्होंने इस ट्रेनिंग में मुझे ऑनलाइन कक्षा को और कैसे बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में बताया। इस कक्षा में, इस वेबिनार में, इस ट्रेनिंग में हमने देखा कि हमारे जो आइडियाज हैं, जिसे पवन देदी सर जी और बेहतर तरीके से हमें बता रहे हैं, जो कि बच्चों की सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। इस वेबिनार में हमें इनोवेटिव पाठशाला के बारे में भी बताया गया, जो कि ना केवल अंग्रेजी विषय बल्कि सभी विषय की समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है। इसमें हम किसी भी विषय के किसी भी पार्ट का पूरा गतिविधि देख सकते हैं और इसमें हम कैसे हम बच्चों को सरल तरीके से और अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं इसके बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ही उपयोगी रहा। इस ग्रुप में जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो द्विवेदी सर जी द्वारा समय समय पर हमें मोटिवेट किया जाता है और साथ ही हम अन्य टीचर के आइडियाज के बारे में भी सुनते हैं और उनके द्वारा किया जा रहा कार्य उसे भी हम जानते हैं। इसे भी हम अपने योजनाओं में शामिल कर सकते हैं और अपनी कक्षाओं को और अपने बच्चों के सीखने के स्तर को और भी बेहतर बना सकते हैं।
इस वेबिनार के द्वारा हमें बहुत सारे ग्रिड गेम, कॉन्सेप्ट मैपिंग इत्यादि गतिविधियों के बारे में बताया गया, जो कि ऑनलाइन कक्षाओं को और भी सरल और सहज बनाने के लिए उपयोगी रहा। इस प्रकार ये जो द्वेदी सर जी द्वारा मुझे जो ग्रुप से जोड़ा गया है वो मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा। और ऑनलाइन कक्षाओं को मैंने देखा कि ऑनलाइन कक्षा में बच्चे अब बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। आज मेरी साला राजनांदगांव जिला के छुरिया ब्लॉक के अंतर्गत गोलड़भाई संकुल में एक अच्छी साला के रूप में गिना जाता है। मैं श्री पवनदीन द्वेदी सर जी एवं श्री अरविंदो सोसाइटी और साथ ही साथ SDFC बैंक को मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।